तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन के कुछ ऐसे टिप्स जिनसे कि हमारा टाइम और हमारा पैसा दोनों सेव होगा। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए, अगर मेरे हैक्स, मेरी कोई भी ट्रिक आपको पसंद आए, तो प्लीज प्लीज उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली यूज में रोटी रखने के लिए हम सैलो का इस्तेमाल करते हैं, और रोटियां रखने के लिए हम इसके नीचे रखते हैं रोटी का कपड़ा, या जिसको हम पोना बोलते हैं। तो अगर हम इसमें से स्मेल आती है और गीला हो जाता है और रोटी चिपक जाती है, तो ये ना रख के हम इस टिश्यू पेपर को यूज़ कर सकते हैं। ये साफ़ का साफ रहता है और चिपकता भी नहीं है, और दो दिन ये चल जाता है। इसे धोने का और संभालने का भी काम नहीं रहता है। अगर आप चाहते हो कि रोटियां आपकी खाने के समय में सॉफ्ट मिले आपको, चाहे जैसी भी वो बनी है, जिस तरह का भी आटा आपका बना है, तो उसके लिए आप रोटी पर घी ना लगाकर बटर का इस्तेमाल करें, और बटर लगाने के बाद इसे थोड़ी देर तक हम सैलो में रख देंगे। और सैलो में रखने के बाद जब हमें इसे खाना है, जितनी देर में हम खाना डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं, उतनी देर में हमारी रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती हैं जब तक हम उसको खाते हैं। फ्रिज बास्केट में वेजिटेबल्स को अच्छे से मैनेज करके रखने के लिए हम इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेडीमेड बैग्स आते हैं और इनमें ज़िप लगी होती है। इसमें वेजिटेबल्स को रखकर हम ज़िप लॉक करके, और एक बिल्कुल भी इसमें से सब्जियां निकलती नहीं हैं और फ्रेश रहती हैं, और इनको अच्छे से हम बास्केट में मैनेज करके रख सकते हैं। रेडीमेड बैग्स के अलावा आप इस तरह के बैग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री आते हैं घर में। जो हम ऑनलाइन वेजिटेबल मंगाते हैं, तो उन वेजिटेबल्स में इस तरह के बैग्स आते हैं, तो मैं ये बैग संभाल कर रख लेती हूँ और इस तरह वेजिटेबल्स को ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके रखने में ये बहुत अच्छे से काम आते हैं। अब आपको किसी भी वेजिटेबल को ढूंढना नहीं पड़ेगा। सीधा बैग बाहर निकालिए और उसमें से वेजिटेबल निकालो और उसको एज इट इज़ फ्रिज के अंदर रख दीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है, और बिल्कुल अच्छे से ये मैनेज रहता है। इसमें कोई भी सब्ज़ी इधर उधर फैलती नहीं है। मस्टर्ड ऑयल या फिर सरसों का तेल, जब हम न्यू बॉटल ओपन करते हैं तो पुरानी बॉटल में काफ़ी सारा ऑयल बचा रह जाता है। इस ऑयल को हम दूसरी बॉटल में शिफ्ट करने के लिए न्यू बॉटल को नीचे रख के और ओल्ड बॉटल को ऊपर रख के दीवार के साथ थोड़ा सा सपोर्ट लगा के इसको हम इस तरह से सारा का सारा ऑयल इसका हम इसमें न्यू बॉटल में शिफ्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम चाहें कि इसे डायरेक्ट कढ़ाई में या फिर किसी बर्तन में जिसमें कि हम कुछ बनाने लगे हैं उसमें शिफ्ट करेंगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। इस तरह से ये अपने आप इसमें शिफ्ट होता रहता है, 5-10 मिनट में ये पूरा इसमें शिफ्ट हो जाता है। इस तरह की बॉटल जैसे लेमनीज, रूह अफ़ज़ा या फिर कोई और जूस वगैरह की बॉटल हो तो वो कई दिन रखे रखे ओपन नहीं हो पाती। इसका सबसे इजी तरीका है, इसे थोड़ी देर पानी में रखो और पानी में रखने के बाद इसे क्लीन करो, और क्लीन करने के बाद जैसे ही आप ये ओपन करोगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो भी जमा हुआ है वो पानी से मेल्ट हो जाता है। जब भी हम रिफाइंड के पैकेट्स को खोलते हैं तो ऑयल इसमें काफ़ी सारा रह जाता है, तो सारा ऑयल हम अगर कंटेनर में डालना चाहते हैं तो उसे इस तरीके से थोड़ी देर के लिए कंटेनर के ऊपर लगाकर छोड़ दीजिए। सारा का सारा ऑयल अपने आप थोड़ी देर में कंटेनर में आ जाएगा और रिफाइंड का पैकेट बिल्कुल खाली हो जाएगा। किसी भी कंटेनर में, किसी भी बॉक्स में अगर आपको पैकेट रखना है, कोई भी पैकेट रखना है, या जैसे मुझे आटा रखना होता है इसमें, तो ये सीधा का सीधा अगर मैं इसमें डालती हूँ तो ये नहीं जाता है। मैं क्या करती हूँ, इसके दोनों कॉर्नर्स को प्रेस कर देती हूँ। इसके कॉर्नर्स प्रेस हो जाने के बाद, दोनों कॉर्नर्स प्रेस हो जाने के बाद ये ईजीली ड्रम में चला जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कोई दाल या फिर कोई और चीज़ कंटेनर्स में डालनी है तो उसके दोनों साइड्स को प्रेस करके उसमें डालिए। आटे को कंटेनर में मैं इसी तरह से रखती हूँ पैकेट के साथ, और ऊपर से इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देती हूँ जिससे कि मुझे इसे यूज़ करने में थोड़ा ईजी रहे। इससे मुझे चींटियों से भी बचाव रहता है। तड़का लगाने के लिए जब भी हम ऑयल में राई को डालते हैं तो वो काफ़ी उछलती है, और अगर हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पहले डाल देंगे तो राई हमारी कभी भी उछलेगी नहीं। राई छोकने से अब कभी हमें डर नहीं लगेगा। दूध की मलाई निकालने के लिए मैं इस तरह के कंटेनर का इस्तेमाल करती हूँ। ये आइसक्रीम कंटेनर है, ये एयरटाइट है, और इसमें मलाई 1 वीक तक एकदम फ्रेश रहती है। मैं इसमें मलाई भर के फ्रीजर में रख देती हूँ, और मलाई निकालने के लिए मैं इस तरह के नाइफ़ का इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि अच्छे से मलाई मेरी निकल आती है। नाइफ से खुरचने के बाद मैं स्पून से मलाई को निकाल लेती हूँ, पूरी की पूरी मलाई अच्छे से निकल जाती है। मलाई को निकालने के बाद अब इसमें जो थोड़ा सा दूध है, इस दूध को मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी और इसमें मैं आटा गूंदूंगी जिससे कि मेरा आटा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और बर्तन भी मेरा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि दूध का बर्तन साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है।
और उसमें चिकना रह जाता है। अगर हम उसमें आटा गूंध लेते हैं तो हमारा जो चिकनाहट है इसकी बर्तन की वो आटे के साथ आ जाती है और आटा भी सॉफ्ट और रोटियां भी सॉफ्ट उससे बनती हैं। खीरे का सैलेड बनाने के लिए जब भी हम खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले इसको दोनों साइड से कट करके इसे घिसते हैं जिससे कि इसकी कड़वाहट निकल जाए। लेकिन ऐसा ना करके अगर हम खीरे को बीच में से तोड़ेंगे तो खीरा कभी भी कड़वा नहीं निकलेगा। और ऐसा करने पर आपका काफ़ी सारा समय भी बच जाएगा। मैं घर में ही दूध का घी निकालती हूँ। तो घी निकालने के लिए सबसे पहले मैं सुबह फ्रीजर में से मलाई को निकाल कर रख देती हूँ। पूरा दिन ये मलाई बाहर रहती है और बाहर रहने के बाद इसे मैं बिल्कुल भी बीट नहीं करती हूँ, इसका मक्खन नहीं निकालती हूँ। एज इट इज़ मलाई को कढ़ाई में डालती हूँ और डालने के बाद विद इन 15 मिनट मेरा मलाई में से घी निकल आता है। मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। सबसे पहले मलाई को एज इट इज़ कढ़ाई में डालिए और डालने के बाद जब मलाई मिक्स हो जाए यानी कि उसमें जो ढेलियाँ हैं या गाँठें हैं वो जब मिक्स हो जाएंगी तब उस मलाई में आप थोड़ा सा आटा डाल दें। वो आटा कोई भी हो सकता है, चाहे थैली का है, चाहे आप उस आटे को पिसवा रहे हैं, कोई भी थोड़ा सा आटा आप 1-2 चम्मच या आधी कटोरी के हिसाब से आप उसमें डाल दें। और डालने के बाद आप देखेंगे कि घी आपका विद इन 15 मिनट पूरा का पूरा निकल गया है और बहुत ज़्यादा घी इसमें से आपका मलाई के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा घी आपका निकलता है। आटा इस थोड़ा थोड़ा मैं मिक्स कर दूंगी जिससे कि इसमें ढेलियाँ ना बने, गाँठे ना बने। अभी मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए हैं आटा डालने और इस पर घी आने लगा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जल्दी घी आने लगा। अच्छे से अब ये दिखाई दे रहा है कि घी आ रहा है और साइडों से भी इसकी मलाई छूटती जा रही है। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट और क्लियर घी निकल रहा है। मलाई से घी पूरा का पूरा निकल चुका है। अब इसे हम ऑफ कर देते हैं। जो ऊपर का ट्रांसपेरेंट घी है उसे मैं एज इट इज़ डब्बे में शिफ्ट कर लूँगी। इसके लिए मुझे किसी भी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ घी डब्बे में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर के मलाई से मैंने कितना सारा घी इसमें निकाला है। पूरा मेरा कंटेनर भर गया है। घी को डब्बे में शिफ्ट करने के लिए मैं छल्ली और टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ, कपड़े का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि कपड़े को फिर दोबारा से वॉश करना पड़ता है और उसमें बहुत काम बढ़ता है। टिश्यू पेपर को मैं यूज़ इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि टिश्यू पेपर यूज़ एंड थ्रो है, इससे इजीली मेरा काम बहुत आसानी से हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मेरा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें।
थैंक यू।